यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। जहां 4 मई को पहले चरण का चुनाव होगा तो वहीं 11 मई को दूसरे चरण का चुनाव होगा और 13 मई को चुनाव के नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। बता दें कि तारीखों के ऐलान होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा और बसपा दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया है, जहां उन्होंने सपा के लोगों को सीजनल बता दिया। तो ये सीजनल लोग हैं और जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में खड़े हो। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने बसपा पर हमला बोल दिया। देखो, ये बसपा को निर्णय लेना है और उनकी सरकारों में संरक्षण पाकर माफिया इतने सशक्त हुए हैं। विरोधियों पर तंज कसते हुए भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि निकाय आयोग के द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और हमारी पार्टी तो दिसंबर से ही चुनावों की तैयारी में लगी है। हमारे विरोधी चुनाव टलवाने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं और हम अपनी पार्टी की तैयारी में व्यस्त थे। निकाय कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है और हम लोग तो, हमारी पार्टी जब दिसंबर माह से ही चुनाव की तैयारी में लगी है। हमारे विरोधी चुनाव टलवाने के लिए अलग अलग प्रकार का षड्यंत्र कर रहे थे और हम लोग अपनी पार्टी की तैयारी में व्यस्त। तो हमारी पूरी तैयारी है, हम लोगों ने जो जो काम किए हैं नगर निकायों में उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अच्छे राजनीतिक परिणाम इस बार देगी। जब उनसे ये सवाल किया गया कि टिकट देते वक्त कर्मठ कार्यकर्ता देखा जाएगा या फिर बड़े नाम, तो उन्होंने कहा कि जीतने वाले लोग देखे जाएंगे और अपने कार्यकर्ता देखे जाएंगे। जीतने वाले लोग देखे जाएंगे और अपने कार्यकर्ता देखेंगे। अब ये पार्टी का जो नीति निर्धारक व्यवस्था है, हमारी चुनाव समिति है, वो इन सारे पहलुओं पर विचार करेगी और हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी को रिप्लेस करेंगे। हम लोगों की नीति है कि जो जीत सकते हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से ऐसी चर्चा सुनने में आई है कि बसपा अतीक के परिवार को टिकट देगी। इसको लेकर भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि ये निर्णय तो बसपा को लेना है, मगर जिस प्रकार का हमारे विरोधियों का चरित्र है और उनकी सरकारों में संरक्षण पाकर माफिया इतने सशक्त हुए हैं, तब वो सब लोग तो उनके ही हितों की बात करेंगे। देखो, ये बसपा को निर्णय लेना, लेकिन जिस प्रकार का हमारे विरोधियों का चरित्र है और उनकी सरकारों में संरक्षण पाकर माफिया इतने सशक्त हुए हैं, तो उन सब लोगों को तो उन्हीं का संरक्षण, उन्हीं के हितों। सपा ओबीसी के माध्यम से मजबूत होना चाहती है, उसका उन पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर भूपेंद्र चौधरी ने ये बयान दिया कि ये सीजनल लोग हैं, जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में खड़े हो जाएंगे। आपने देखा होगा चुनाव से पहले पिछली बार उन्होंने परशुराम जी महाराज की मूर्ति लगवा दी थी, अब उन्होंने काशीराम जी की मूर्ति का लोकार्पण कर दिया। तो ये सीजनल लोग हैं और जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में खड़े हो जाएंगे। खैर, अब देखना ये होगा कि क्या सपा और बसपा दोनों पार्टियां भूपेंद्र चौधरी के इस बयान का जवाब किस अंदाज में देती हैं। और ये देखना भी काफी अहम होने वाला है कि नगरीय निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी अपना परचम लहराने में कामयाब होगी।